दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 के बीच में ही लगा है टीम इंडिया को काफी तगड़ा झटका, जहां टीम इंडिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ियों में से एक जबरदस्त खिलाड़ी बड़ा खिलाड़ी हो गया है पूरे वर्ल्ड कप 2019 से बाहर है और ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि वो कौन सा खिलाड़ी हुआ है भारतीय टीम से बाहर वर्ल्ड कप 2019 से और किस खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है इस खिलाड़ी की जगह पर, जो कि रिप्लेसमेंट भी अनाउंस कर दिया है बीसीसीआई ने। तो गाइस पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी वीडियो देखते रहें। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के तगड़े वाले फैन है तो कर दीजिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक। वहीं से वीडियो के स्पॉन्सर क्या है नोस्ट्रा प्रो ऐप ने, जो कि कमाल का ऐप है पावर्ड बाय पेटीएम। आप सभी लोग बड़े आसानी से पैसे कमा सकते हैं कुछ ऐसी सिंपल क्वेश्चन के जवाब देकर, जैसे कि कौन सी टीम जीतेगी यह मैच, कौन सी टीम हारेगी यह मैच और कौन सी टीम कितना ज्यादा रन स्कोर करेगी। वहीं से भी खास बात यह है कि जो भी पैसे आप जीतेंगे इस ऐप में सिर्फ 2 या 3 घंटे के अंदर अपने पेटीएम या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करवा सकते हैं। तो अभी इस ऐप को डाउनलोड करिए, जो कि नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आप यहाँ से डाउनलोड करेंगे तो आपको ऑलरेडी 100 रुपये बोनस में मिल जाएंगे। अब दोस्तों अगर हम बात करें टीम इंडिया के बारे में, तो वर्ल्ड कप 2019 के बीच में ही टीम इंडिया का बड़ा खिलाड़ी हो गया है पूरे वर्ल्ड कप से बाहर, जी हाँ, जिसका नाम है शिखर धवन। जो कि शिखर धवन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ काफी जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, लेकिन उस मैच में थन कल्टर नायल के गेंद पर चोट टिल हो गए थे, जो कि उनके अंगूठे में काफी तेज चोट लगी थी, लेकिन बल्लेबाजी करते रहे और शानदार बल्लेबाजी भी की थी उस मैच में, लेकिन फील्डिंग करने के वक्त वो फील्डिंग करने नहीं आए थे इसी चोट की वजह से, जो कि उनके अंगूठे में काफी तेज चोट लग गई थी, जिसके चलते रविंद्र जडेजा उनकी जगह पर फील्डिंग करने आए थे और अंगूठे की चोट से जूझ रहे शिखर धवन, जिसके चलते 3 हफ्ते के लिए बाहर हो गए थे। जो कि बीसीसीआई ने कहा था कि अगर शिखर धवन 3 हफ्ते के अंदर अंदर फिट हो जाते हैं तो एक बार फिर से भारतीय टीम की तरफ से खेलते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अगर 3 हफ्ते के अंदर अंदर फिट नहीं हो पाते हैं तो ऐसे में उनकी जगह पर टीम में ऋषभ पंत को शामिल किया जाएगा। जो कि ऋषभ पंत उसी टाइम पर ही पहुंच गए थे इंग्लैंड स्टैंड बाई के तौर पर शिखर धवन को रिप्लेस करने के लिए और 3 हफ्ते का वेट कर रहे थे। लेकिन इसी बीच एक बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जो कि ये कन्फर्म रिपोर्ट है, जो कि शिखर धवन की ये चोट काफी ज्यादा गंभीर हो चुकी है और ये रिकवर नहीं कर पाएंगे इस दौरान। ऐसे में वो पूरे वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गए हैं और अब उनकी जगह पर बीसीसीआई ने ऋषभ पंत को टीम में शामिल कर लिया गया है, जो कि ऋषभ पंत अब अवेलेबल रहेंगे भारतीय टीम में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की तरफ से खेलने के लिए। और अब यहां से शिखर धवन का कोई भी चांस नहीं कि वो दोबारा वर्ल्ड कप 2019 खेलें और ऋषभ पंत उनको रिप्लेस कर चुके हैं वर्ल्ड कप 2019 के लिए, जो कि यह ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय टीम के परफॉर्मेंस अभी तक वर्ल्ड कप 2019 में काफी शानदार रही है, लेकिन भारतीय टीम की सिर्फ एक ही परेशानी रही है, वो है खिलाड़ियों का चोटिल होना, जहां सबसे पहले शिखर धवन चोटिल हुए थे और अब वो टीम इंडिया से भी बाहर हो चुके हैं वर्ल्ड कप से। तो वहीं पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भुवनेश्वर कुमार भी इंजर्ड हो गए थे, जिसके चलते वो अपना पूरा ओवर भी नहीं करा पाए थे और अब वो भी 2 मैच के लिए आराम करेंगे, यानी कि 2 मैच में नहीं खेलेंगे टीम इंडिया की तरफ से, जो कि अगला मैच खेला जाएगा भारतीय टीम का अफगानिस्तान के खिलाफ, तो इसके बाद भारतीय टीम खेलेगी वेस्ट इंडीज के खिलाफ। ऐसे में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच के लिए भुवनेश्वर कुमार अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो ऐसे में उनकी जगह पर खेलते हुए दिखाई देंगे मोहम्मद शमी। तो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार अपने राय जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इसमें आपको मिलने वाली है क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट सबसे पहले।